न्यूज़, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे एमएनएस न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। 14 गिरफ्तार, डीसीपी बोली सब इंस्पेक्टर को गोली लगी। जामा मस्जिद के पास बहस के बाद हुई हिंसा। दिल्ली में जहांगीरपुर में शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर पथराव के साथ फायरिंग भी हुई थी। डीसीपी नॉर्थ वेस्ट उषा रंगनानी ने बताया कि हिंसा में 8 पुलिसकर्मी और 1 नागरिक घायल हुए हैं। 1 सब इंस्पेक्टर को दंगाइयों ने गोली लगी है, यह अस्पताल में भर्ती है और उन्होंने कहा उपद्रव द्रवियों ने यहाँ आगजनी भी की है, तलवार और गोलियों भी चली। इन मामले में पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले 9 लोग पकड़े गए, फिर 5 लोगों को अरेस्ट किया गया। पुलिस के मुताबिक इलाके में तनाव है, लेकिन हालात पर काबू पा लिया गया है। वहां आरएएफ की 2 कंपनियां तैनात की गई है। दिल्ली के तमाम संवेदनशील इलाकों में पुलिस तैनात है और यहां हाई अलर्ट है। इलाके में नाइट विजन ड्रोन से निगरानी की गई। स्पेशल पुलिस कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने शनिवार देर रात बताया कि एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पाठक ने कहा कि स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है, माहौल अब शांतिपूर्ण है, हम लोगों के साथ लगातार संपर्क में हैं और शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस अधिकारी यहां मौजूद हैं। पुलिस की टीम ने इलाके के कई वीडियो फुटेज हासिल कर लिए हैं, इसमें कुछ लोग की पहचान हो चुकी है। अफसरों का कहना है कि दोषियों से सख्ती से निपटा जाएगा। दिल्ली पुलिस ने उपद्रव की जाँच के लिए 10 टीमें गठित की है। मामले की जाँच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। इसके साथ खास खबरों को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।